नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चांद पर ऑटोमेटिक कार भेजने की योजना क्या है। जी हाँ, चांद पर ऑटोमेटिक कार भेजी जाएगी, इससे क्या फायदे होंगे और चांद पे कितने नमूने जुटाए जा सकेंगे और वो कौन सी कंपनी है जो चांद के लिए ऑटोमेटिक कार बना रही है और वो कार कब तक चली जाएगी चांद पे, सही बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो चांद के लिए ऑटोमेटिक कार यूज करी और ऑटोमेटिक कार ही क्यों, मैनुअल कार भी तो चांद पर भेजी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपोलो 15 के समय एक मैनुअल कार भेजी गई थी चांद पे जो लैंड करने के बाद लगभग 6 किलोमीटर दूरी तक ही चल पाई थी और उसमें हाथ से गियर बदलने पड़ते थे, इसलिए वो 6 किलोमीटर की दूरी तय की जिससे हमें ज्यादा नमूने जुटाए नहीं जा सके, इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन अब जो कार भेजी जाएगी वो पूरी तरह, जी हाँ, पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वो -173 डिग्री सेल्सियस से +165 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सहन कर सकेगी जो ऑटोमेटिक कार बनाई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है 336 घंटे लंबा दिन और रात होता है, इसलिए उस कार को इस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, वो कार 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करेगी जो पुरानी मैनुअल कार भेजी गई थी चांद पे उसके अनुसार। इस कार को बनाने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोग है। अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जो रॉकेट और विमान बनाती हैं, उस कंपनियों ने इसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये ऑटोमेटिक कार बना रही है चांद के लिए। और ये विमान और रॉकेट बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी है और एक कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर जो कार्स और इंजन भी बनाती है, ये दोनों कंपनियां मिलके इस ऑटोमेटिक कार को बना रही है। अब ये कार बन जाने के बाद नासा इसे चेक करेगा, जांच करेगा, उसके बाद इसे चांद पर भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं जो ऑटोमेटिक कार बन रही है उसके पहले जो मैनुअल कार भेजी गई थी उसका यूज क्या हुआ कि उससे अब हमें ऑटोमेटिक कार भेजना पड़ रहा है। देखिए, ऑटोमेटिक कार लंबी दूरी तय करेगी, पुराने के मुकाबले लंबी दूरी तय करेगी जिससे हमें अधिक से अधिक नमूने मिल सकेंगे और चांद पर अधिक से अधिक चीजों का हम खोज कर सकेंगे। अपोलो 15 के समय, अपोलो 15 जब भेजा गया था उस टाइम जब जहां पे रॉकेट लैंड किया था उस साइट से लेके 6.45 किलोमीटर दूरी ही तय की थी वो मैनुअल कार। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत बनाई जाने वाली कार चांद पर जो पिछली मैनुअल कार थी उसके 2 से 3 गुना ज्यादा दूर तक जाएगी और वहां पे ज्यादा नमूने जुटाए जा सकेंगे। जब चांद पे जाने वाले यात्री होते हैं, जो सर्च करने वाले होते हैं, वो ज्यादा अधिक से अधिक सर्च कर सकेंगे, अधिक से अधिक चीजों को देख सकेंगे, निकाल सकेंगे। क्योंकि चांद की सभी सतह पर गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कंपनी ने कहा कि चांद पर अब तक 5% हिस्सा ही खोजा गया है, 95% हिस्सा वैसे ही पड़ा है और उस पर हमें और ज्यादा खोजने के लिए, जांच करने के लिए ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो चांद की गुरुत्वाकर्षण के अनुसार आराम से चल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो उस पर चलाने के लिए। चांद पर गाड़ियों को चलाने के लिए धरती पर ऑफ रोडिंग से ज्यादा कठिन है। तो दोस्तों, उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक कार को बनाया जाएगा कि उसके गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वो अच्छे से चल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वहां पे वैज्ञानिक आराम से जो 95% हिस्सा बचा है उसका तलाश कर सके, खोज कर सके, नमूने जुटा सके। अब उसी कार को मंगल ग्रह के लिए भी यूज किया जाएगा, ऑटोमेटिक कार मंगल ग्रह पे ही भेजा जाएगा और वहां पे भी अधिक से अधिक खोज हो सकेगा, जिससे चांद और मंगल पे मतलब ज्यादा से ज्यादा खोज हो सकेगा और उस पर रहना, खाना पीना हर चीज के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके खोज के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑटोमेटिक कार बनने के बाद बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों के लिए आसान हो जाएगा उस पर अधिक से अधिक दूरी तय करना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा के लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि चांद पर और मंगल पर ऑटोमेटिक कार जाने वाली है। कब जाने वाली है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
बाकी आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में अच्छा लगा और कोई आपको जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।